देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 मुश्किलें बढ़ा रहा है। देश में इसके मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में JN.1 के 412 केस मिले, जिनमें से 128 केस केरल में मिले हैं। रिपोर्ट की माने तो इस वक्त देश में कोरोना के टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 4170 को पार कर गई है। अगर टॉप 5 राज्यों की बात करें तो केरल में 3096 एक्टिव केस हैं, कर्नाटक में 436, महाराष्ट्र में 168, तमिलनाडु में 139 और गुजरात में 56 केस एक्टिव हैं। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नए वेरिएंट को लेकर नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि भारतीय वैज्ञानिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो देश में कोरोना का पहला केस केरल में सामने आया था। 30 जनवरी 2020 को विदेश से लौटे व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद कोरोना ने केरल और फिर बाद में पूरे देश में कहर बरपाया। उसके बाद भी नए वेरिएंट की पहचान केरल में ही की गई थी। अभी फिर से नया वेरिएंट केरल में ही सामने आया है और तो और सबसे ज्यादा केस भी वहीं से सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नए वेरिएंट या फिर नई बीमारियां केरल से ही क्यों सामने आती हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि केरल से बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं। देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विदेश यात्रा से लौटकर आता है तो उसके साथ कोई ना कोई वायरस या बीमारी लेकर आता है। केरल के लोग अक्सर बाहर देशों में काम करने जाते हैं, जब ये वापस लौटते हैं तो नए कोरोना वेरिएंट को भी लेकर आते हैं, जो पहले केरल फैलता है और फिर देश में फैल जाता है। कोरोना के JN.1 सब वेरिएंट की पहचान पहली बार अगस्त में की गई थी। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ही कोरोना के केस बढ़ने का कारण था। एक्सपर्ट्स की माने तो JN.1 के स्पाइक प्रोटीन में अतिरिक्त म्यूटेशन है और यह इम्यूनिटी को चकमा देकर आसानी से संक्रमित कर सकता है। JN.1 अतिरिक्त म्यूटेशन के कारण ज्यादा संक्रामक हो सकता है और तेजी से फैल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी से पता चलता है कि JN.1 मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। हालांकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में लोग पहले से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं और उन्हें वैक्सीन भी लग चुकी है, इसलिए नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी का खतरा नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।